वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। और आज हम आपको कहीं घुमा के लेके आते हैं, हम जा रहे हैं अपने रिलेटिव्स के घर और चलो आपको साथ लेके चलते हैं। और यहाँ पे हम सब रेडी हो चुके हैं, ये देखो हर्षु भी रेडी है, गोलू सो रही है, ठीक है हम सब रेडी है, बस अब निकल रहे हैं। तो चलो चलते हैं आगे जाके दिखाते हैं क्या करते हैं क्या नहीं। ओके बाय। चलो गुनू से हेलो, हेलो करो, चलो चलो इसको पकड़ो। और गाइस हम लोग जा रहे हैं हमारे मतलब ताऊ जी के घर, मतलब दीपक के ताऊ जी के घर, वो रहते हैं रोहिणी। हमें काफ़ी टाइम हो गया था उनसे मिले, तो हम लोग उन्हीं से मिलने के लिए जा रहे हैं। बस अब हम लोग निकल गए हैं, निकल ही रहे हैं। और ये हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, थोड़ी सी मस्ती करते हैं। हर्षु को देखो, हर्षु कैसे कर रहा है, ये ऐसे करते करते ये सो भी गया था। ये दोनों बहुत इंजॉय करते हैं गाड़ी में जाना घूमना, और हर्षु तो बहुत ज़्यादा, उसको तो गाड़ी में बैठते ही नींद आ जाती है सीरियसली। और यहाँ भजन सुनते सुनते ये तालियाँ बजा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और ये देखो हर्षु गया है सो, और हम लोग भजन भी गा रहे हैं बैकग्राउंड में, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। हम लोग ऐसे सोलो ट्रिप्स में ना मेनली हमारे बाबा के भजन सुनते हुए चलते हैं, श्याम बाबा के भजन, और हम बहुत इंजॉय करते हैं उसको हम। और अभी हम लोग रास्ते में हैं और बच्चे दोनों ऑलमोस्ट सो गए, ये तो सो ही गए और वो भी सोने ही वाली है, उसको भी नींद आ रही है। बस अभी हम पहुँचेंगे थोड़ी देर में, फिर मैं आपको दिखाती हूँ क्या चल रहा है। तो ये लीजिए, अब हम गए हैं वहाँ पर पहुँच। और ये मैं बार बार बहुत परेशान हो रही थी, मैं शोल ओढ़ के गई थी और ये शोल बार बार हर्षु के साथ संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा। और अब बस हम वहाँ पहुँच गए हैं, चलो चलते हैं देखते हैं रिएक्शन सबका। और मैं इनके घर सेकेंड टाइम गई हूँ, बट मुझे इतनी नॉलेज नहीं है कि कहाँ से एंट्रेंस होगा कहाँ से नहीं, तो वही मैं बार बार मम्मी से पूछ रही हूँ कहाँ से जाना है, इधर से जाना है कहाँ से जाना है। तो बस लो पहुँच गए। और सचिन नमस्ते भैया, हेलो हेलो, देखो बेबी बुला ले बेबी, नमस्ते भाभी, क्या है बस नमस्ते, चलो नीचे नीचे बैठ के हर चीज मजे हो गए, इतनी सारी बहनें मिल गई तुझे एक साथ है ना। और हर्षु तो इन दोनों के साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है। और मैं आपको बता दूँ ये दोनों हैं भैया की बेटियाँ, और इनका एक छोटा भाई भी है जिससे हम स्टार्टिंग में मिले थे। बट सीरियसली ये दोनों के साथ हर्षु बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, और सबसे ज़्यादा इंजॉय तो यही दोनों कर रही थी, बार बार उसको गोदी ले रही थी, मुझे दे दो मुझे दे दो, बेबी को चॉकलेट खिला दो, इतना इंजॉय कर रहे थे ये लोग बहुत ज़्यादा सी। और अब इसने हर्षु को चॉकलेट दे दी कि उसके उसको पता नहीं है ना कि अभी ये काफ़ी छोटा है तो वो खाएगा नहीं। फिर इसने गोलू को भी चॉकलेट दी, और इन दोनों के तो मज़े हो गए भाई। गोलू ने तो चॉकलेट बहुत इंजॉय की। और यहाँ पे हर्षु बैठा है अपनी ताई जी की गोदी में, और हम सब कर रहे हैं नाश्ता थोड़ा सा बस। और गोलू तो भाई बहुत इंजॉय कर रही है नाश्ता, क्योंकि उसने सुबह मतलब उसकी फेवरेट चीज़ें थी ना उसमें सब, इसीलिए। और अब यहाँ पे गोलू लगी है खेलने
She is enjoying too much now. यहाँ चल रही है खाने के साथ साथ मस्ती, और ये बच्चे लोग कर रहे हैं अपनी मस्ती। वो कोई फ़ोन देख रहा है, हर्षू तो सो गया, इसके पापा चटर मटर लगे हुए हैं कुछ खाने के लिए। बस तो हम यहाँ पहुँच गए और जस्ट अभी खाना खा के बैठे हैं, प्लेट्स भी रखी है, अभी खाना खा के बैठे हैं और अभी आपको फ़ोटोज़ दिखाते हैं कि हम लोग पुरानी फ़ोटोज़। और यहाँ हम लोग देख रहे हैं पुरानी फ़ोटोज़ भाभी भैया की शादी की, जिसमें कि दीपक बहुत छोटे से हैं और बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं। यहाँ मम्मी देख रही है और भैया बता रहे हैं उनको कि कौन सी फ़ोटो कब कब की है, कहाँ कहाँ की है। तो वही सब लग रहे हैं, वही देखने लगे हैं हम लोग अभी। और यहाँ मैं भाभी को कह रही हूँ कि आप तो पहले बहुत पतले से थे और अब इतने मोटे हो गए, और मैं तो मोटी होती नहीं, शायद काश मैं भी मोटी हो जाती, पर वो तो काश ही है ना। चलो दुखती रख पे क्यों हाथ रखना, आगे देखते हैं। और यहाँ भाभी मुझे बता रहे हैं जिनको मैं नहीं जानती उनके बारे में, कि ये वो हैं और ये वो हैं। और इसी के साथ हम लोग देखने लगे हैं कि सबकी फ़ोटो कैसे हैं पुराने टाइम की। और ये देखो मैं जल्दी देख रही हूँ आगे कोई अच्छी फ़ोटो आए, कोई और देखे। मैं पूछ रही हूँ ये कौन है। और यहाँ पे आ गई पति देव की बचपन की फ़ोटो भैया की शादी के टाइम की, और मैं उनको चिढ़ाने के लिए ये फ़ोटो कैप्चर करके रख रही हूँ ताकि बाद में स्टेटस वगैरह पे लगा सकूँ, इनको चिढ़ा सकूँ कि तुम बचपन में ऐसे थे। ये देखो, और मुझे जिसकी भी फ़ोटो दिख रही है ना, मतलब मैं उसकी जानबूझ के क्लिक करके रख रही हूँ जो मेरे नॉन हैं, ताकि मैं उनको बाद में दिखा सकूँ कि देखो मेरे पास आपकी ये फ़ोटो है। और सीरियसली इनकी बचपन की फ़ोटोज़ देख देख के तो मैं तो हंस हंस के पागल हो गई। रियली मैं सबको चढ़ाने के लिए उनकी फ़ोटोज़ बार बार उनके पास कैप्चर कर करके अपने पास सेफ रख रही हूँ ताकि मैं बाद में देख सकूँ। और यहाँ पे मम्मी पापा की और जो बड़े ताऊ जी ताई जी हैं उन लोगों की सबके डांस की फ़ोटोज़ भी हम कैप्चर करके लेके आए हैं, जो काफ़ी अच्छी थी पुरानी। यार सीरियसली जैसे टाइम चेंज होता है ना, बॉडी कितनी चेंज हो जाती है। और यहाँ पापा आ गए हैं, पापा बातचीत कर रहे हैं, और मैं पापा को फ़ोटोज़ दिखा रही हूँ कि देखो सब कैसे थे, आप कैसे थे, मम्मी कैसी थी। और पापा भी देख के खूब हंसे, सब हंस रहे उन फ़ोटोज़ को देख के कि अरे हम भी ऐसे थे। और मैं तो सबसे ज़्यादा मुझे फ़नी फ़ोटोज़ लगी, और एक दो फ़ोटोज़ आपके साथ भी दिखाऊँगी कभी फुर्सत में। फ़ोटोज़ देखनी है तो मेरी इंस्टा स्टोरी चेक करना, सीरियसली बहुत फ़नी फ़ोटोज़ थी, सब इंजॉय कर रहे हैं। और देखो हर्षु को देखो ना, वो कितना इंजॉय कर रहा है, ये इसको खूब मज़े कर रहा है। और अब ये दोनों, अब हम बस चलने की तैयारी करेंगे एक बार, हम लोग अभी तो बैठे हैं बस। फिर मना करते करते भाभी ने नाश्ता बना ही लिया कि चलो नाश्ता कर लेते हैं। फिर शाम को सब ने हम दोबारा चाय पी, वैसे मैंने तो नहीं पी भाई, मैं चाय नहीं पीती इतनी ज़्यादा, तो मैं नहीं पी रही।
और बाकी सब ने जिसने जो खाना था पीना था वो पी लिया। वैसे इनके यहाँ ना समोसे की बहुत ज़्यादा वैरायटी है, मतलब मैं हमारे यहाँ नहीं मिलते इतने ज़्यादा समोसे की वैरायटी। उनके वहाँ जैसे पिज्ज़ा समोसा, मैगी समोसा, चाउमीन समोसा एंड मतलब इतनी ज़्यादा वैरायटी है ना उनके पास, तो चाप समोसा और तो और ओरियो समोसा किसका होता है यार उनके पास। तो खा के हर्षू ने सारा हलवा फिनिश कर दिया ना फिनिश। तो देख और दीदी केक खिला दिया छोटा पीस बिल्कुल। कैसा लगा? अच्छा है, अच्छा है भाई। अब उसको और नहीं देना बेटे। और यहाँ आप देख सकते हैं गोलू को, वो कैसे केक खा रही है। ये उसकी बड़ी दीदी ने खुद बनाया था घर पे, तो वो कैसे शी लव द केक यार, रियली उसको बहुत ही अच्छा लगा वो केक। वरना वो गोलू ऐसे कभी भी कोई चीज़ नहीं खाती, इवन टू इवन वो घर पे भी ऐसे कुछ नहीं खाती। तो मतलब पहली बार गोलू ऐसे कुछ खा रही थी, और वो देखो कैसे मस्ती करती करती खा रही है, जैसे वो उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और यहाँ पे फिर वही हर्ष और गोलू की मस्तियाँ चली हुई है, बस हम लोग बैठे हैं। बहुत है इसके दादा, एक बार गए ना कोकू ये देखेगा कहाँ से बोले मेरे को। हाँ हम लोग बस जस्ट निकले हैं घर के लिए, अब हम घर वापस जा रहे हैं। और इधर ही देखो कितना अच्छी लोकेशन है इन लोगों के घर की, यहाँ पे सामने सारी मार्केट है। अरे गोलू दो दो हाथों में चॉकलेट लेके आई है उनके घर से हैं। गाइस अब हम लोग आ गए हैं घर वापस, जस्ट अभी ऊपर आकर बैठी हूँ और बहुत ज़्यादा थक गया है। 9:20 हो गए हैं, बस अभी आके बैठे हैं, मैं चेंज करूँगी। देखो मैंने अभी चेंज भी नहीं किया। और चलिए इसी के साथ ब्लॉग का करते हैं एंड। और अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जल्दी जल्दी यार लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करना। तुम लोग कमेंट नहीं करते, लाइक भी बहुत कम करते हो, देख लेते हो, प्लीज़ करना हाँ जल्दी से। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। 1, 2, 3.